अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग जनरल सर्जरी में हमारा अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे वो एसिड बेस डिसऑर्डर है। अभी मैं क्या करूंगी, मैं इस चैप्टर का बिल्कुल एक फास्ट से रिव्यू दूंगी जस्ट दो वीडियोस में, ताकि आपको एक दोबारा से रिवाइज हो जाए, क्योंकि मैंने आपको एसिड बेस डिसऑर्डर मेडिसिन में बहुत डिटेल में, क्योंकि नेफ्रोलॉजी का उसका पार्ट होते हैं, पढ़ाए भी और उनकी वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे। मेडिसिन की जो मेडिसिन टू के लेक्चर्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप वो समझ लें, लेकिन नॉर्मली तकरीबन सबको आप आते ही होंगे, मैं ये समझती हूँ। और अभी मैं सिर्फ उनके रिवीजन वीडियो में डाल रही हूँ। मैंने यहाँ जनरल सर्जरी के लेक्चर्स में इसलिए जरूर इसको शामिल किया क्योंकि ये जान है जनरल सर्जरी के लेक्चर्स की, और इसके बगैर एमसीक्यूज आपके पूरे नहीं होते, और ये इतना आसान एमसीक्यू होता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली जो बात आ जाती है ना, वो ऐसी होती है कि आप कहें कि बस आपका सॉलिड नंबर है, तो आप बोलते हैं कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये नंबर बड़ा ही जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि एसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, तो वही बात है, रिवाइज जरा सी जल्दी से कर लेते हैं, जस्ट दो वीडियोज या मैक्सिमम एक या दो वीडियोज में मैंने इसको खत्म कर लिया, कहानी कुछ हुआ है। अब मैं आपको वो वाली सारी पुरानी बहुत ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो मैंने सारी उन वीडियोज में आपको बताई थी। तो कहानी कुछ हुआ है, एसिड बेस डिसऑर्डर था, आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी ये वाले सिलसिले चल रहे होते हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड एंड बेस के, इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं, ज्यादातर हम डील करते हैं यहाँ पर कि एसिड्स और बेस किस तरह से आगे पीछे हो सकती हैं, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आपके पास आता है हाइड्रोजन आयन्स आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में है, बायकार्बोनेट आयन्स है, जितना हाइड्रोजन आयन होता है वो एसिडिटी को शो करता है, बायकार्बोनेट आपको पता है कि बेस की तरफ यानी अल्कलिनिटी की तरफ जाता है। दूसरी एक चीज है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब इंक्रीज होती है तो जाहिर है इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जब ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे एसिडिटी ज्यादा होती है। तो जैसे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसको हम एसिडिटी की तरफ रेफर करते हैं, और जब वो कम हो जाता है तो उसको हम अल्कलिनिटी की तरफ रेफर करते हैं। सबसे पहले आपको ना उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये जो एमसीक्यू या एसीक्यू जो भी आएगा उसमें आपको दो चार वैल्यूज दे देंगे, बेशक कोई भी सिनेरियो बना के देंगे, फीमेल आई थी आपके पास डिहाइड्रेटेड थी, जाहिर सिनेरियो भी आपका मैटर करता है कि वो किस हाल में आई थी, कि वो डीके की पेशेंट थी या वो वॉमिटिंग के बाद आई थी, उसके बाद तो आपको दो तीन वैल्यूज देंगे, थोड़ा सा आपको सिनेरियो की भी हिंट देगा आपको, और असल में सारी वैल्यूज आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो आप नॉर्मल वैल्यूज आपको नहीं बताऊंगे तो आप कभी भी उनको जान नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आपको नॉर्मल अक्सर उसका साथ नहीं लिख के देते। तो ये आपने रट्टा मार लेंगे पक्का कि नॉर्मल जो पीएच की रेंज है दैट इज इक्वल टू 7.35 से 7.45, ठीक है, इसके दरमियान में कहीं भी आएगा तो नॉर्मल है, आपको पता है कि इससे ज्यादा चला जाएगा तो अल्कलाइन पीएच है, कम हो जाएगा तो ऐसे लेके, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक नॉर्मल एवीजीज की रिपोर्ट जो होती है उसमें ये दोनों होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर है इट इज, इसकी रेंज आती है 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यूनिट्स के साथ इससे बता रही हूँ, दूसरे यूनिट्स की आपने याद रखने किलो पास्कल वाले, तो 4.3 से 6 किलो पास्कल, ठीक है, दोनों में आपका आ जाता होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सेफ साइड पे रहने के लिए याद रखिएगा या अंदाजा याद रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत जगह पर उसको लिखा हुआ दे देंगे और आपको ओरिजिनल वैल्यूज नहीं देंगे। तो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में भी याद रखना है और किलो पास्कल में भी, तो 4.3 से 6 किलो पास्कल। हल्का फुल्का सा आपको मुख्तलिफ जगहों पर वेरिएशन मिलेगी बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मेजर सी बात आपको याद होनी चाहिए, मतलब एक रेंज है जो आप कर सकते हैं कंसिडर। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल है इट इज 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, और अगर आप किलो पास्कल में आएंगे तो 10.3 से 13.3 किलो पास्कल आपको मिलता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। इसी तरह जो बायकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू है वो है आपकी 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये सबके यूनिट्स आपके जो है ना वो देख के आपने रखने। अब ये सारी वो बातें जो आपको याद ही करनी है हर सूरत, ताकि आप पक्का हिफ्ज कर लें कि आपके पास कोई सिनेरियो आएगा तो क्या होगा। अब आपको बताएं कि हमने ये जो एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं इनको दो चीजों में डिवाइड किया होता है, कि या तो प्राइमरीली मसला आ रहा है बायकार्बोनेट और हाइड्रोजन में, या प्राइमरीली मसला आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब किस कौन चीज है जो प्रॉब्लम कर रही है जिसकी वजह से या तो एसिडिटी हो रही है या अल्कलिनिटी हो रही है। अब पता है कार्बन डाइऑक्साइड का सारा ताल्लुक हमारी लंग्स और वेंटिलेशन से है, जितना आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई बंदा जो हाइपोक्सिया में जो हम कहते हैं कि जिसमें कोई लंग्स में पैथोलॉजी होती है, जो सांस सही से नहीं ले रहा होता, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो लंग्स की पैथोलॉजी की वजह से हो रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिटेन होगी तो जाहिर है बॉडी में एसिडिक एनवायरमेंट बन जाएगी, जिस तरह मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उतना कार्बोनिक एसिड बनने का चांस होता है, उतना हम कहते हैं कि एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है सारी वो आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से ज्यादा या कम होती है, और दूसरे एक तो मैंने कहा कि एक बंदा जो सांस नहीं ले पा रहा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने लग जाएगी, और एक बंदा जो हाइपर वेंटिलेट करे जरूरत से ज्यादा तेज तेज सांस ले तो उसमें क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से कम हो जाएगी तो वो अल्कलिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के मसले वो सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, इसलिए
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि आइदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा हो जाना, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन ठीक नहीं हो रही, सांस ठीक से नहीं आ रहा। और उसके दूसरी चीज क्या होगी कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। अल्कलोसिस का मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम हो गई है, ठीक है। अब कम क्यों होगी कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा था, सांस बहुत ज्यादा तेज तेज ले रहा था बंदा ड्यू टू एनी रीजन, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से कम हो गया, तो जैसे सी बात है कार्बोनिक एसिड लेवल्स कम हो जाएंगे तो अल्कलोसिस की तरफ चला जाएगा। ये तो हो गए रेस्पिरेटरी इशूज। और जो हाइड्रोजन और बायकार्बोनेट के इंट्रिंसिक मसले होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं इन मेटाबॉलिक इशूज, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास आप होते हैं कि हजार हाइड्रोजन एसिड, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाए या बायकार्बोनेट डिक्रीज हो जाए या दोनों हो जाए, इट विल रिजल्ट इन, जाहिर हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी, या बायकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएगा तो भी एसिडिटी हो जाएगी, तो इट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी वाली बहुत पुरानी वाली बात है, इसमें कोई नई बात हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन इंक्रीज आ गया या बायकार्बोनेट डिक्रीज आ गया, इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं, सारी वही पुरानी सी बातें हैं। आपको पता है कि इसी को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन इसकी कॉज क्या क्या हो सकती है, मतलब क्यों हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ब्लड में ज्यादा हो रहा है या बायकार्बोनेट कम हो रहा है। तो दो बातें हैं, या तो हाइड्रोजन ज्यादा जो हो रहा है, मतलब वही वाली दो बातें हैं ना, कि या तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनना लग गया बॉडी में, बायकार्बोनेट नॉर्मल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनने लगे। हाइड्रोजन आयन क्यों ज्यादा बनने लग जाते हैं बॉडी में, एसिडिक एनवायरमेंट या एसिडिटी क्यों, एसिडिटी की प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो जाती है, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉज होती है, वो याद है हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है कि बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है ना, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, सबको याद होगा ये बात, ठीक है, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो जो हमारे पास पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है ना, कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, वो तो नहीं होता ना, तो क्या होता है कि एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। तो जब जब भी पेशेंट के पास हाइपोक्सिया की स्टेट आती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी जिस भी वजह से हो रही है, चाहे किसी रेस्पिरेटरी इशू की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चाहे आपकी कोई भी मतलब कोई इस्कीमिया है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, ड्यू टू एनी रीजन जब हाइपोक्सिया होता है, कार्डिक फेलियर में हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, जब भी हाइपोक्सिया होता है तो बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट करती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्योंकि ऑक्सीजन की उसके पास होती है तो वो लैक्टिक एसिड बनाने लग जाती है, लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा तो जाहिर है इट इज एन एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज ये होती है कि एसिड प्रोडक्शन हो रही है ड्यू टू एनी सिस्टेमिक डिसऑर्डर। सिस्टेमिक डिसऑर्डर क्या हो सकती है, जैसे आपको पता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमने एक स्टेट पढ़ी थी DKA, आपको पता है कि उसमें क्या हो रहा होता है कि डायबिटीज जब आपकी अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स हो जाते हैं, तो एक्सेसिव शुगर लेवल्स की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है कि कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, वो कीटोन बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है तो दे कॉज कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो बिकॉज दे एसिडिक इन नेचर ना, जो कीटोन बॉडीज होती हैं, तो वो DKA के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी एसिडोसिस ज्यादा हुआ होता है ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उनमें एसिडिक एनवायरमेंट बनी हुई होती है। इसी तरह जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन नहीं होती, तो हाइड्रोजन आयन उनके अंदर ज्यादा स्टे कर जाते हैं, उनमें एसिडोसिस हो जाते हैं, तो ये होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं। उसके ऑपोजिट जो बायकार्बोनेट हम कह सकते हैं दूसरी कंडीशन वो कि जिसमें बायकार्बोनेट बॉडी से जरूरत से ज्यादा निकल जाए, हाइड्रोजन नॉर्मल है, बायकार्बोनेट का लेवल कम हो गया, तब भी रिजल्टेंट हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा ना, उसमें भी एसिडोसिस हो जाता है। तो बायकार्बोनेट जरूरत से ज्यादा बॉडी से निकलता है, खासतौर पर डायरिया में। डायरिया का सिनेरियो आपने याद रखना बहुत ज्यादा होता है, डायरिया का सिनेरियो जब आता है उसमें आपका हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि डायरिया के साथ आपका बायकार्बोनेट निकल जाता है सारा का सारा, ठीक है। और उसके साथ कोई भी फिस्टुलाज, इंटेस्टिनल डिजीजेज हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाना, बस आपका एक ही सिनेरियो आएगा डायरिया का आएगा। अब आपको जब भी पेशेंट आएगा जो आपको उनने सिनेरियो में कोई ऐसी बात दी हुई है कि DKA की पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, या फिर वो आपको कहते हैं कि फीमेल है जो शॉक की या सिवेर हेमरेज की है, शॉक और सिवेर हेमरेज में भी लैक्टिक एसिडोसिस शुरू हो जाता है ना हाइपोक्सिया की वजह से या डायरिया की है, ये सारे जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, रीजन मैंने आपको बता दी है। और इनमें ट्रीटमेंट हमने क्या करनी होती है कि एसिडोसिस को पहली बात तो कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करनी, फॉर एग्जाम्पल अगर हेमरेज है तो जाहिर है वो शॉक में जा रही है, आप उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, आप उसको फ्लूइड्स देंगे, उसका ऐसा ऐसा वो वाली शॉक वाली कंडीशन रिवर्ट होगी, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको खासतौर पर ट्रीट करना है अपने इसको डिसऑर्डर को, तो जाहिर सी बात है कि आपको फौरी तौर पर बायकार्बोनेट देना होता है, बायकार्बोनेट ही उसके लिए लाइफ सेविंग होता है, और उसके जरिए आप पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में अब क्या कहानी है, इसके ऑपोजिट हो रहा है, वही बात है कि या तो बायकार्बोनेट ज्यादा हो रहा है या हाइड्रोजन कम हो रहा है। इसका सिनेरियो बहुत ज्यादा आता होता है, बहुत ज्यादा आता है। किस चीज का आता है,
आपका वॉमिटिंग का, ठीक है, फीमेल आपके पास या मेल आपके पास प्रेजेंट की है परसिस्टेंट वॉमिटिंग, कंटिन्यूस वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स, फॉर द लास्ट 1 डे, अलॉन्ग विद सिवियर कॉन्स्टिपेशन. अब मुस्तकिल वॉमिटिंग और सिवियर कॉन्स्टिपेशन जाहिर है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो है. तो जब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तो वॉमिटिंग में आपको पता है कि आपका सारा स्टमक का जितने कॉन्टेंट्स है वो निकल जाते हैं, और स्टमक में सबसे ज्यादा HCl है. HCl में आपका हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन जब बॉडी से बहुत ज्यादा निकल जाता है तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाता है और बाइकार्बोनेट का लेवल रिजल्टेंटली बढ़ जाता है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है. तो जब भी आपका सिनेरियो है वॉमिटिंग विद सिवियर कॉन्स्टिपेशन या परसिस्टेंट कंटिन्यूस वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 5 आवर्स या 6 आवर्स, तो पेशेंट डिहाइड्रेट होगी और पेशेंट हमेशा उसने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप किया हुआ होगा, ठीक है. और इस केस में जो वॉमिटिंग के साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होते हैं ना, क्योंकि वॉमिटिंग में हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl पूरा निकल रहा है, तो हाइड्रोजन के लेवल्स भी बॉडी में कम हो जाते हैं, रिजल्टेंटली अल्कलोसिस हो जाते हैं, और क्लोराइड के लेवल भी बॉडी में कम हो जाते हैं. तो हम लिखते हैं इसको हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जिसमें क्लोराइड भी कम हो गया. मजीद अगर हमें ज्यादा अच्छा लिखना हो तो हम इस सिनेरियो में लिखते हैं हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. द रीजन इज कि जब वॉमिटिंग होती है ना तो वॉमिटिंग में पोटेशियम भी साथ निकल जाता है, तो हाइपोकैलेमिया भी हो जाता है. HCl निकल रहे तो क्लोराइड भी निकल जाता है, हाइपोक्लोरीमिया भी हो जाता है, साथ एसिड तो निकल ही निकल रहा है, तो हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है इस केस में, ठीक है. तो सबसे कॉमन ये सिनेरियो आएगा आपके पास जो आता होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का, और आपने ये आंसर लिखना होता है. उसके बाद आपकी इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो जाहिर है, अगर एसिड हो रही है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो आप उसको ट्रीट करेंगे, कोई बहुत इमरजेंसी नहीं होती. इमरजेंसी असल में आपको ये होता है कि आपने हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करना है, तो आप पोटेशियम सप्लीमेंटेशन वगैरह दे सकते हैं, क्लोराइड दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके डिप्लीटेड है वो दे सकते हैं. अदरवाइज जो सिंपली अल्कलोसिस की स्टेट है ना वो कोई इतनी हार्मफुल ऐसे नहीं होती कि आपने फौरन से कोई एसिड देना है, उसकी जरूरत नहीं होती. आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जरूर दें, क्लोराइड दें, पोटेशियम दें और कॉज को ट्रीट करें, दैट्स इट. अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी कि जब भी कोई इस किस्म का डिसऑर्डर होता है तो हमेशा उसकी ऑपोजिट चीज कॉम्पेंसेट करती है. फॉर एग्जाम्पल जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन आती है, जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है जिसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, और बैक या मतलब सपोज ये वाली बात थी कि शॉक का पेशेंट था, हाइड्रोजन उसमें ज्यादा, उसमें एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गई थी, ठीक है. अब क्या होगा कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कॉम्पेंसेट करेगा. जब एक तरफ से नजर आएगा कि एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिवली बॉडी से निकालने की कोशिश करेगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिवली निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक एनवायरमेंट कर रहा था ना, वो थोड़ी एसिडिक एनवायरमेंट कम होगी और पीएच नॉर्मल की तरफ आएगा. असल मकसद होता है पीएच को नॉर्मलाइज करना. जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो पीएच फॉल कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और पीएच फॉल हुआ हुआ हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत खराब होता है. तो बॉडी फौरी तौर पर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू उसको कॉम्पेंसेट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है. तो आपका जो सिनेरियो असल में आता होता है ना, उसमें आपको वो 3-4 चीजें देती है. सपोज मैंने आपको दिया कि पेशेंट है जिसका पीएच है 7.2, ठीक है, और उसका उन्होंने बताया आपको कि बाइकार्बोनेट वो आपको बता देते हैं इज 15, ठीक है, 15 मिलीक्विवेलेंट्स पर लीटर. और फिर वो उसके साथ आपको बताते हैं कि उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 40. अब आप देखिए पीएच लेस है, इसका मतलब है कोई एसिडिक कंडीशन है, ठीक है. बाइकार्बोनेट भी कम है, जिसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब बाइकार्बोनेट के कम होने की वजह से एसिडोसिस हुआ है. और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब है कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हुई, तो हम लिखेंगे सिंपली मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अगर यहीं पर वो आपको कहते हैं कि पीएच इतना ही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हो गई है समझ लें कि 30. अब क्या हुआ है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस था और कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने लेवल को नॉर्मल से कम कर लिया, यानी रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन हुई है. तो हम लिखेंगे कि उसकी वजह से अभी तक पीएच नॉर्मल नहीं हुआ, पीएच अभी भी कम ही है, तो हम लिखेंगे पार्शली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और अगर ये सिनेरियो यूं आए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हो गई है 28 और पीएच इज नाउ इक्वल टू 7.4. अब आप देखें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था जिसको आपकी रेस्पिरेटरी ने कॉम्पेंसेट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं फुली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है. तो ये आपकी वही वाली बातें जो आपको मैं सारी बहुत डिटेल में पहले बता चुकी, इसके अब मैं बार बार रिपीट नहीं करी, यहाँ पर बात खत्म करते हैं. अब हम फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे, बस मैंने इतना सा आपको अंदाजा देना था. थैंक यू.